चलो तो बच्चों, जो दूसरा टॉपिक हम चालू कर रहे हैं नया, वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, वो पूरे के पूरे वही हैं जो हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में इसके पहले किए हुए हैं। आप सबने वो बहुत ध्यान से पढ़े थे, सबको समझ में आए हैं, आई एम वेरी श्योर। और जो ट्रेंड्स वगैरह है वो सेम है। सो व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टॉपिक, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वील फोकस अलॉट ऑन द स्पेसिफिक एलिमेंट्स एंड देयर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। कि जैसे जो ग्रुप वन ग्रुप टू है, उनके कुछ एलिमेंट्स की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है, अनोमलस बिहेवियर, अनोमलस यानी अबनॉर्मल बिहेवियर, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और दूसरा फोकस रहेगा स्पेसिफिक कंपाउंड्स पे। जैसे एक एग्जांपल दे दूं कि अगर ग्रुप वन में हम सोडियम की बात करें, तो उससे जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स निकल के आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, उनकी बात करेंगे। सेम वे कैल्शियम है, तो उसके कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम, है ना, ऑल दोज थिंग्स। तो वैसे ग्रुप वन और ग्रुप टू के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उनका बिहेवियर, दैट इज फिजिकल एज वेल एज केमिकल, और उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ये दो पार्ट्स पे हमको फोकस करना है। जहाँ तक ट्रेंड्स का सवाल है, तो वो तो सेम है जो हमने पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी देखे हुए हैं, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वो हम लोग थोड़ा फास्ट जा सकते हैं उस पार्ट में। एंड आई गिव यू द मार्किंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप दैट इज क्लियर। चल अभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स का डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं। एस ब्लॉक में जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल का मतलब क्या, मैंने आप लोगों को एसपीडीएफ चार ब्लॉक के डेफिनेशन बहुत बार करवाए हैं, फिर भी एक बार रिवाइज जरूर करवा देता हूँ। एस पी डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के हमने डेफिनेशन लिखे हैं। एन एस वन से टू ऐसा रहेगा, मतलब आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। एन एस टू एन पी वन टू सिक्स, एन एस टू एन पी वन टू सिक्स मतलब आउटर मोस्ट शेल के पी सब शेल में जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उसको हम लोग पी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। बरोबर है बच्चों? एन एस वन टू टू एन माइनस वन डी वन टू टेन, यानी कि सेकेंड लास्ट शेल एन माइनस वन यानी सेकेंड लास्ट। इसको हमने वर्ड क्या यूज किया था याद है, पेनल्टीमेट। क्या वर्ड यूज किया था? पेनल्टीमेट वर्ड यूज किया था हमने। तो पेनल्टीमेट शेल के डी सब शेल में जब आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उसको डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। और वहीं पर एन एस वन टू टू एन माइनस टू एफ वन टू फोर्टीन अगर हम कहें, तो वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट था। इसको हम लोग लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड भी बोले हैं, पीरियोडिक टेबल में हमने किया। तो यहां पर हमारा फोकस है ये वाला, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल में जब आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसको हम लोग एस ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। ऑब्वियसली एस ऑर्बिटल में, एस ऑर्बिटल सही वर्ड है नहीं, एक्चुअली एस सब शेल सही वर्ड होना चाहिए, बट ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एस ऑर्बिटल दिया हुआ है। ठीक है, इट कैन अकोमोडेट ओनली टू इलेक्ट्रॉन, एवरीबडी नोज दिस, ऑब्वियसली मैक्सिमम कैपेसिटी। तो इसीलिए सिर्फ दो ग्रुप्स ही अवेलेबल हैं, कौन से, हमारे ग्रुप वन और ग्रुप टू। ग्रुप वन ऑफ पीरियोडिक टेबल, कौन से उसमें एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के नाम आपको पूरे के पूरे याद होने चाहिए, जो मैंने याद करवाए हुए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीसीएम एंड फ्रैंकियम। मैंने क्या बोला था, है ली ना की रब ने सुनी फरियाद, है यानी कि हाइड्रोजन एक यहाँ पर अलग क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक कंप्लीटली डिफरेंट डेडिकेटेड चैप्टर है जो हम पढ़ने वाले हैं। दीज आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल्स, ऑल दिस इज रेपिटेशन, ये हमने सारा पीरियोडिक टेबल में किया, फिर से बता रहा हूँ। दीज आर कॉल्ड वॉट, एल्कली मेटल्स, वाई, बिकॉज दे फॉर्म बेसिक कंपाउंड्स। एल्कली मतलब क्या, वाटर सॉल्युबल बेसिस, करेक्ट, वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग एल्कली कहते हैं बच्चों, करेक्ट। सो दैट इज वाई वी, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग वाटर सॉल्युबल बेसिस, तो इसलिए इनको एल्कली मेटल्स भी कहा जाता है। ठीक है, वाई आर दे कॉल्ड सो, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स विच आर स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप टू, ग्रुप टू के एलिमेंट्स कौन से हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये मैंने आपको पूरा लर्न करवाया हुआ है। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, दीज एलिमेंट्स। नाउ हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच फॉर योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, चेक कर लेना जरा। एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम अर्थ के क्रस्ट में ज्यादा पाया नहीं जाता, इसलिए उसको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कहते। एक्सेप्ट बेरिलियम ग्रुप टू के, तो आपको ये पता है कि ग्रुप टू का जनरल नाम क्या है बच्चों,
अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये तो सबको मालूम है ना, अल्कलाइन अर्थ मेटल है ग्रुप टू का जनरल नाम, पर उनमें से एक एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो चाहिए ही, तो इसीलिए बेरिलियम जो है वो एक्सेप्शन है, वो अर्थ के क्रस्ट में ज़्यादा पाया नहीं जाता। और सो ब्यूटीफुली दी एनसीईआरटी हैज एक्सप्लेन कि भाई क्रस्ट का मतलब क्या है ना। अब ऐसे गोचू जैसे आंसर मत दे देना कहीं पे जाके कि क्रस्ट का मतलब जो पिज्जा के अंदर रहता है वो उसको क्रस्ट बोलते हैं, है ना, वो नहीं। द थिन रॉकी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज द क्रस्ट, राइट। एंड इग्नियस रॉक भी आगे आएगा, इग्नियस रॉक का भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सो दैट्स वाई एनसीईआरटी में यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे पॉइंट्स नीचे आपको मिलते हैं वो अगर आप पढ़ते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और बेहतर हो जाती है ऑफ व्हाट इज रिटन इन द टेक्स्ट। अल्कलाइन भी है और अर्थ के क्रस्ट में भी मिलते हैं, इसलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल, बट एक्सेप्शन इज बेरिलियम, ठीक है। चलो अभी अल्कली मेटल में सोडियम एंड पोटेशियम आर अबंडेंट, सबको मालूम है अबंडेंट है कौन सा, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम रुबिडियम सीसियम बहुत कम मिलते हैं। फ्रैंकियम इज हाईली रेडियो एक्टिव, ये मैंने बताया हुआ आपको, फ्रैंकियम इज हाईली रेडियो एक्टिव, हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 21 मिनट्स। नाउ इन योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक इट इज गिवन एज 22 मिनट्स, बट हियर एंड आई हैव मेंशनड दिस इन क्लास इन द थियरी लेक्चर बिफोर दैट यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू एज 21 मिनट्स बिकॉज यू आर गोइंग टू फॉलो, जनरली यू आर गोइंग टू फॉलो एनसीईआरटी फॉर द ऑब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू टाइप, और स्पेशली फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम कहें तो, ठीक है। तो 21 मिनट्स, खैर 21 22 इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट येस 21 मिनट्स दैट इज काउंटेड। एंड इट्स अटोमिक मास ऑल्सो यू हैव टू सी, हाँ 223। वट इज द अटोमिक नंबर ऑफ फ्रैंकियम बच्चों, मैंने आपको अटोमिक नंबर कैलकुलेट करने का एक तरीका बताया था अगर आपको याद हो तो, मैंने बोला था है ली ना की रब ने सुनी फरियाद, ऐसे बोला था, और ये कहा था कि पहले उसमें से ये वन है ये थ्री है, फिर एट, फिर एट यानी कि सॉरी एट यानी कि इलेवन, मैंने एट बोला तो मैंने एट लिख दिया, इलेवन नाइनटीन देन एटीन, 19 और 18 कितना हुआ 37 ना, फिर 18 18 फिर 55 एंड देन 32 ना, तो 87, तो 87 उसका एटॉमिक नंबर है पर 223 उसका एटॉमिक मास है। चेक कर लो जरा, बात समझ में आ गई। तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास याद रखना, फ्रैंकियम का फिर से देख लो, फ्रैंकियम का एटॉमिक नंबर हमने 87 देखा था, 223 उसका एटॉमिक मास है। अगर आप देखो तो काफ़ी डिफरेंस है ना, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काफ़ी होंगे उसमें, और ऑब्वियसली इतने ज़्यादा न्यूट्रॉन्स होने की वजह से वो रेडियो एक्टिव है बच्चों, क्लियर है, बढ़िया। कैल्शियम फिफ्थ और मैग्नीशियम नंबर सिक्स्थ इन अबंडेंस, कैल्शियम फिफ्थ मैग्नीशियम सिक्स्थ है। अच्छा अगर आपको कोई पूछे कि वो अर्थ के क्रस्ट में सबसे अबंडेंट क्या है, तो एक्चुअली जो मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ना वो आपको मिलते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, ऑक्साइड्स। ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअली 46.6% मिलता है आपको, सबसे ज़्यादा वही है अगर देखा जाए तो, ऑक्साइड के फॉर्म में, बिकॉज हर मेटल का ऑक्साइड तो बनता ही है, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रो नेगेटिव, एवरीबडी नोज दिस, ठीक है। बेरिलियम इज काउंटेड एज अ रेयर मेटल, अब आपको समझा कि उसको हमने अल्कलाइन अर्थ में क्यों नहीं बोला। इट इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल, ओनली 10^-10%, मतलब 0 और फिर ऐसे 10 जीरो लगाने हैं, 0.00000 ऐसा वन करके आपका इग्नियस रॉक में ये मिलता है। इग्नियस रॉक आपको पता है जो मैग्मा यानी कि मोल्टन लावा से बनता है ना, वोल्केनिक रॉक जो बोलते हैं, ठीक। तो इसमें ऐसे समझाने जैसा ज्यादा कुछ नहीं है, काफी फैक्चुअल चीजें, अगर आप देखो मैंने सारी मार्क की हुई आपके लिए, बहुत सारी फैक्चुअल चीजें हैं, नंबर्स, एटॉमिक नंबर्स, अबंडेंसेस, परसेंटेजेस, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ में कभी भी इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना कि हाँ मुझे तो समझ में आ गया चैप्टर, वो गलती मत करना। यू हैव टू रीड दिस अगेन एंड अगेन सो दैट यू स्टार्ट रिमेंबरिंग द वैल्यूज। अभी मैं आपको आपका खुद का फ़ोन नंबर पूछ लूँ तो आप गच्चा खा जाओगे, आपको एक बार सोचना पड़ेगा, बिकॉज आजकल ऐसा हो गया कि लोगों को याद करने की, नंबर्स और फिगर्स याद करने की आदत नहीं रही आप लोगों को, तो इसलिए ऐसे चैप्टर्स आपके लिए बहुत ट्रिकी हो सकते हैं, वेर यू फील दैट दे आर वेरी इजी, बट ट्रस्ट मी इसमें ही मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो चलो आपको याद हो गया, किसी चीज़ का रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह ऑर्गेनिक के मैं बताता हूँ, याद हो जाएंगे, याद रह जाएंगे, समझ जाएगा तो, बट ये क्या है, फैक्चुअल है, याद आज रट्टा मारा, लर्न किया वैल्यू और कल भूल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसमें कंप्लेसेंट ना हो, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ठीक है बच्चों।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि वो गलती मत करना, ठीक है। चलो एस ब्लॉक की कॉन्फिगरेशन क्या होगी बच्चों, तो आपकी ऑब्वियसली एन एस वन फॉर एल्कली मेटल्स एंड एन एस टू फॉर एल्कलाइन अर्थ मेटल, सिंपल एल्कलाइन अर्थ। तो हम देखेंगे ग्रुप वन, तो ये समरी हम लिख सकते हैं, ग्रुप वन हो गया आपका। आप उसको रोमन न्यूमरल्स में नहीं लिखोगे, एक्चुअली आप उसको नॉर्मल नंबर से लिखते हो, ग्रुप वन और ग्रुप टू। एलिमेंट्स के नाम तो आपको पता ही है, एनएस वन एनएस टू, ग्रुप वन एनएस वन, ग्रुप टू एनएस टू। ओके, एनएस वन एंड एनएस टू, प्लीज रिमेंबर द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। नाउ लिथियम एंड बेरिलियम, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू से, बहुत ध्यान से सुनना। हर ग्रुप में, पीरियोडिक टेबल के हर ग्रुप में एक सर्टन ट्रेंड ऑफ प्रॉपर्टीज फॉलो होता है, ये तो हमने किया हुआ है बच्चों पीरियोडिक टेबल चैप्टर में, हमने देखा था ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि मेटालिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर वगैरह वगैरह, हमने इस तरह से देखा हुआ है कि कुछ एक सर्टन ट्रेंड्स फॉलो होते हैं प्रॉपर्टीज, तो सबको मालूम है, ठीक है। अब फंडा ये है कि ये जो ट्रेंड्स है ना, वो सब लोग फॉलो करते हैं एक्सेप्ट द फर्स्ट मेंबर जो होता है ना, फर्स्ट, पहला मेंबर जो होता है, व्हेन आई से द फर्स्ट एलिमेंट्स, विच मींस इन अ गिवन ग्रुप, प्लीज रिमेंबर इन अ गिवन ग्रुप आई एम सेइंग, दैट इज वर्टिकल है ना कॉलम पीरियोडिक टेबल में, इन अ गिवन ग्रुप जो पहला मेंबर है, फर्स्ट एलिमेंट्स, दे शो सर्टन प्रॉपर्टीज विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ध्यान से सुनना, हर ग्रुप के पहले मेंबर की कुछ विचित्र, कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉपर्टीज होंगी, जिसको हम लोग कहेंगे एनोमलस बिहेवियर। क्या कहेंगे बच्चों? एनोमलस ना, आप लोगों ने स्कूल में एनोमलस बिहेवियर ऑफ वॉटर पढ़ा है, वहां पर आपने ये पढ़ा था कि बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, जहां पे आप वाटर को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कूलिंग पे वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जबकि वो एक्चुअली एक्सपैंड होने लगता है ना, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो एनोमलस मतलब समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड, समथिंग दैट इज स्ट्रेंज, विच इज वियर्ड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो बिहेवियर। तो यहां पर क्या है कि हर ग्रुप का एक सर्टन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, एक सर्टन सेट ऑफ ट्रेंड्स है, हम वो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। पर अगर कोई एलिमेंट उन ट्रेंड्स को फॉलो ना करे, पहली बात, दूसरा उन ट्रेंड से हटके उसकी कुछ वैल्यू निकले, तो उसको हम लोग बोलेंगे एनोमलस बिहेवियर, ठीक है, क्वाइट इंपॉर्टेंट। और ये किस में दिखता है, ये किस में होता है, ये एनोमलस बिहेवियर जो मैंने कहा, ये किस में होता है, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ गिवन ग्रुप में होता है। किस में होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ गिवन ग्रुप, ठीक है। तो उसके कारण मैं आपको अभी बताता हूं, उसके कारण, अब ये सवाल ये आएगा आपके दिमाग में कि सर ये फर्स्ट एलिमेंट में क्यों होता है, ऑब्वियसली लॉजिकल क्वेश्चन है, बट बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि हम यहां पर एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला मेंबर है लिथियम बेरिलियम, क्योंकि हाइड्रोजन को हम नहीं गिनते, माइंड यू हाइड्रोजन तो कंप्लीटली डिफरेंट ही है, ठीक है। सो डोंट कम टू मी विद द आइडिया कि अच्छा सर हाइड्रोजन कहाँ गया, हाँ पहला मेंबर मैंने लिथियम मान लिया, इसमें पहला मेंबर बेरिलियम मान लिया, किसमें, ग्रुप वन में, ग्रुप टू में। उसके बाद पी ब्लॉक में आपका ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 ऐसा है ना, ग्रुप 13 में कौन है पहला, बोरॉन, 14 में कौन है कार्बन, 15 में कौन है नाइट्रोजन, इसमें कौन है ऑक्सीजन, इसमें कौन है फ्लोरीन। तो ये बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, आगे जब हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ेंगे ना इनको, तो ये भी एनोमलस बिहेवियर दिखाएंगे। दिस इज ट्रू फॉर ऑल, बात समझ में आ रही है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल, नॉट ओनली फॉर एस ब्लॉक। तो ये कॉन्सेप्ट अभी समझ लो, आगे भी अप्लाई करने आएगा। अब सवाल आपका जो है कि ऐसा क्यों, क्यों दिखाता है पहला मेंबर अनोमलस बिहेवियर क्यों दिखाता है? तो सिंपल, इसका रीजन बहुत ही आसान है बच्चों, अगर आपको मैं बताऊं तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। इसके तीन रीजन है और वो तीनों रीजन बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात कि जो पहला मेंबर है उसका साइज सबसे छोटा होगा, बोलो हाँ कि ना,
ऑब्वियसली साइज सबसे छोटा ही होगा, ऑब्वियस है। दूसरा, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखा था, अगर आपको याद हो तो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड कैसा था, डाउन द ग्रुप कैसे हो रही थी, वो इंक्रीज हो रही थी कि डिक्रीज हो रही थी, कम हो रही थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, मतलब कहना इसे पहले मेंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, सीधी बात है, है ना, पहले मेंबर की सबसे ज्यादा होगी, तो मैं बोलूंगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और तीसरा है हाई चार्ज टू रेडियस रेशियो। ऐसा क्यों, ध्यान से सुनना, क्या एक पर्टिकुलर ग्रुप के सारे मेंबर में सेम चार्ज होने वाला है? बोलो हाँ कि ना। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे ये ग्रुप वन है आपका, तो ग्रुप वन में आपने रेडॉक्स चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया है कि सबके पास प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जनरली, बोलो हाँ कि ना, मतलब इनका चार्ज क्या है, सबका प्लस वन है ना, सबका चार्ज प्लस वन होगा, ठीक है, अगर मैं चार्ज की बात करूं, जब ये आयन्स बनाएंगे तो उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जब आयन बनाएंगे तो इसका जो हाइड्रोजन है उसका सबसे स्मॉल साइज होगा ना, या लिथियम, सॉरी नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आई एम नॉट काउंटिंग, वन प्लस वन बाय लिथियम का जो भी साइज है वो छोटा होगा, तो जो आंसर है वो बहुत ही बड़ा वैल्यू आएगा। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा, चार्ज टू रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो इसलिए पहले मेंबर का चार्ज टू रेडियस रेशियो तो सबसे ज्यादा ही रहेगा ना, सीधी बात है। तो इसीलिए ये तीन कारण है, या तो एक तो पहला स्मॉलेस्ट साइज, दूसरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तीसरा सबसे ज्यादा चार्ज टू रेडियस रेशियो। ये तीन साइज, ये तीन फैक्टर्स की वजह से हर पहला मेंबर अनोमलस बिहेवियर दिखाता है। बात समझ में आई? ये तीन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हर ग्रुप का पहला मेंबर, बिकॉज वो अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, पहली बात। अच्छा, अपने ग्रुप में सबसे छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत हाई होगी, बरोबर, अनयूजुअली हाई होगी, अनयूजुअली हाई। नाउ जस्ट टू रीइंफोर्स माय पॉइंट, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, लेट मी गिव यू अ प्रॉपर न्यूमेरिकल एग्जांपल, तो आपको एकदम से कन्विंस हो जाएगा। समझाता हूं, देखो यहां पे समझाता हूं। मैंने कहा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मैंने क्या कहा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो बच्चों, अगर आप नोट करें 496, 419, 403, है ना, ये सबकी जो रेंज है वो 400 के रेंज में, करेक्ट, पर आपका लिथियम कहां पे, 500 के ऊपर है। बात समझ में आ रही है? तो ये हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आ गया, पहली बात, ठीक है। दूसरा, अगर आप साइज देखें, आप इसका साइज देखें तो रेडियस, ठीक है, ये 152 है, ये 76 है, आयन का रेडियस 76 है, मेटल के एटम का रेडियस 152 है, बट बाकी सबका रेंज आप देखो तो 180 और 220, ये 40 का डिफरेंस है, 220 और 240 ये 20 का डिफरेंस है, ज्यादा उतना मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। सेम वे यहां पर अगर देखोगे तो ये 130, 150 ये रेंज में है, 160, ये सब लगभग एक सर्टन रेंज में आते हैं। बट जो पहला मेंबर है वो ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ अलग दिखा रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो उस रेंज से थोड़ी अलग होगी। दैट इज द आइडिया ऑफ एनोमलस बिहेवियर। आई होप यू आर गेटिंग द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस टर्म नाउ। So, आपने देखा, हमने कुछ वैल्यूज भी देख लिए। नाउ देर आर सर्टन स्टूडेंट्स हु आर अंडर द इंप्रेशन कि सर हमको ये सारे वैल्यू रट्टा मारने पड़ेंगे क्या? द आंसर इज नो, प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दिस, क्योंकि अभी से इतने सारे वैल्यूज देख के आप स्ट्रेस आउट हो जाते हो कि सर ये पूरा टेबल है, हर एक एलिमेंट का हर एक वैल्यू हमको लर्न करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको जिंदगी में कभी किसी एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा, इतना स्टूपिड नहीं होता आपका एग्जामिनर, ठीक है, या जो पेपर सेटर है। आपको सर्टन जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, हाईएस्ट, लोएस्ट या एक्सेप्शनल वैल्यूज, सिर्फ वो ही आपको याद करनी है बच्चों। फिर से सुन लेना ध्यान से, मैंने क्या कहा, हाईएस्ट, लोएस्ट और एक्सेप्शनल वैल्यूज जो हैं वो आपको याद करनी है। आपको सारी की सारी वैल्यूज प्लीज रट्टा मारने मत बैठना, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी फॉर यू, प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक।
तो मैं आपको स्पेसिफिक मार्किंग्स दूंगा फ्रॉम हियर कि आपको उन्हीं वैल्यूज को लर्न करना है जो मैं आपको बता रहा हूं. इज दैट क्लियर? सो प्लीज डू नॉट सिट एंड रट्टा मारो ऑल द वैल्यूज एंड देन सिट एंड गेट कंफ्यूज, बिकॉज दीज आर ओनली, दिस इज ओनली ग्रुप वन. ऐसे आप पूरे पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट का, इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द वैल्यूज ऑफ एवरी एलिमेंट. आई होप यू रियलाइज दैट, राइट? सो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग दैट फ्यूटाइल एक्सरसाइज एंड डू नॉट स्ट्रेस आउट ऑन दैट अभी से. ओके चलो, तो ये एनोमलस प्रॉपर्टीज जो है, ये एनोमलस प्रॉपर्टीज ये कैसी दिखती है, इनके बारे में बात. तो ये एनोमलस प्रॉपर्टीज है, एनोमलस बिहेवियर है, क्यों है वो भी देख लिया. अब ये फंडा है कि ये जो एनोमलस प्रॉपर्टीज है ये इनके खुद के ग्रुप से तो थोड़ी अलग होगी, इसलिए तो वो एनोमलस है. पर इन दीज एनोमलस प्रॉपर्टीज अ गिवन एलिमेंट रिजेंबल्स द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप. समझे बात को, मैंने क्या बोला? With respect to these anomalous properties, the given element resembles or is similar to the second element of the next group. This is known as diagonal relationship. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Diagonal relationship. Let me explain to you what diagonal relationship means. Group 1 is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium वगैरह. Group 1 ये हो गया. ग्रुप टू क्या था? तो ग्रुप वन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और ग्रुप टू है आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एक्सेट्रा. अब मैंने कहा कि लिथियम अपने ग्रुप के बाकी लोगों से थोड़ा अलग है, पर नेक्स्ट ग्रुप के सेकेंड मेंबर से काफी सिमिलर है. समझे बात को? अगले ग्रुप के सेकेंड मेंबर से काफी सिमिलर निकलेगा. इसका यह मतलब है कि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में एक डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है. क्या करती है? डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है. सेम वे, जस्ट टू टेक इट वन स्टेप फर्दर, आई नो इट इज नॉट पार्ट ऑफ एस ब्लॉक बट आगे काम आएगा. सपोज मैं ग्रुप 13 लिखता हूं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, ये मैंने पढ़ाया आपको, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. तो अगर बेरिलियम अपने ग्रुप से मैच नहीं करता तो वो किससे मैच करेगा? क्या लगता है? बेरिलियम अपने खुद के ग्रुप से ज्यादा मैच नहीं करेगा तो वो अगले ग्रुप के सेकंड मेंबर यानी एल्यूमिनियम. तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम में भी डायगोनल रिलेशनशिप दिखेगी, लिथियम मैग्नीशियम में भी डायगोनल रिलेशनशिप दिखेगी. आई होप ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? बट फिलहाल हम लोग लिथियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं बिकॉज वी आर डीलिंग विद एस ब्लॉक. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो उन्होंने कहा कि लिथियम शो सिमिलैरिटी टू मैग्नीशियम and beryllium will show similarity to aluminium in many properties. This is known as diagonal relationship. तुम अपने ग्रुप से थोड़े अलग हो पर अगले ग्रुप के नेक्स्ट मेंबर से ये है. अब ये क्यों है? क्योंकि सिमिलैरिटी इन आयोनिक साइज है, चार्ज टू रेडियस रेशियो सिमिलर है, वगैरह वगैरह. ठीक है, तो जो अभी मैंने कहा साइज, चार्ज टू रेडियस रेशियो, जब वो सिमिलर होगा तो प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी, सीधी बात है. अब जो नेक्स्ट पार्ट है ये काफी हमने पीरियोडिक टेबल में किया हुआ है तो थोड़ा इसमें फास्ट फास्ट जाएंगे, जरा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब एक एक करके प्रॉपर्टीज की बात करें. तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी. एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक थोड़ी कॉमन सेंस, अगर मैं NS1 की बात कर रहा हूं तो मुझे पता है 2S1, थोड़ा अलग कलर से मार्क कर देता हूं, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, ये होने ही वाला है, ऑब्वियस है ना. 7s1, यानी कि मेरा जो ग्रुप नंबर है, जो ग्रुप नंबर है, जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. अब ये भी आप लोगों को मालूम है, n क्या है मेरा, n क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों? n रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को. किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है.
ये आप सब लोगों को मालूम है, एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सपोज मैं ऐसा कहूं कि लिथियम जो है वो कौन से रो को बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के, कौन से पीरियड को? तो लिथियम सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, सोडियम थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है ना। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो आप देखेंगे 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, कितना आसान हो गया है ना। आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है वो मैंने डिटेल में ऑलरेडी आपको पीरियोडिक टेबल में चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। आई होप सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के हमारे फंडे सबको याद होंगे। मैंने ऑफबो प्रिंसिपल और हंट्स रूल के हिसाब से आपको किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो पढ़ाया हुआ है। अगर नहीं आता तो प्लीज़ पूछ लेना। सेकेंड है आपका अटोमिक एंड आयोनिक रेडियस। अगेन इसका ट्रेंड भी हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में दिखा है। कोई भी ग्रुप में अगर आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा कि कम होगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा, सीधी बात है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये रहा, अल्कली मेटल हैव द लार्जेस्ट साइज इन अ पर्टिकुलर पीरियड। ऐसा क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज जो है वो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त डिक्रीज होता है। बोलो हाँ कि ना। लेफ्ट टू राइट जाते वक्त डिक्रीज होता है, तो एल्कली मेटल सबसे बड़ा होगा, फिर उससे आप राइट की तरफ जाओगे तो छोटा 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 होता जाएगा इन अ गिवन पीरियड बिकॉज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो मैंने आपको समझाया था, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से वो श्रिंक होते जाता है। फिर जब नेक्स्ट आप अगले चरण पे आओगे, उस ग्रुप में नेक्स्ट स्टेप पे आओगे तो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक शेल एड हो जाती है। ये रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने। एक शेल ऐड होने की वजह से डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, और लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, श्रिंक होने की वजह से कम होती है ना। तो एटम्स विल बिकम स्मॉलर ग्रेजुअली। ओके, मोनोवैलेंट मेटल्स आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। ये भी हमने किया हुआ है बच्चों, कैटायन इज स्मॉलर बट एनायन इज लार्जर देन द पेरेंट। यस, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको इनफैक्ट लिखवाई थी, आप सबको याद होनी चाहिए, याद नहीं है तो अभी रिविजन हो गया। कैटायन कैसा होता है? अपने पेरेंट से छोटा होता है, एनायन अपने पेरेंट से हमेशा बड़ा होता है। इनफैक्ट इसके ऊपर हमने बहुत सारे MCQ भी किए थे, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ साइज, है ना। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ साइज हमने किया था, कैटायन छोटा होता है, एनायन बड़ा होता है, आपको याद होगा ये। तो टॉप टू बॉटम आते वक्त साइज बढ़ रही है, इतना सिंपल आपने फंडा याद कर लिया। सेम एज पीरियोडिक टेबल चैप्टर। ओके, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन जनरल एल्कली मेटल्स की इन जनरल कैसी है? कंसिडरेबली लो है। पूछो क्यों? क्योंकि मेटल है यार, मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेटल बोलता है आसानी से लेके जाओ ना इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एनर्जी का जरूरत नहीं है। तो मतलब सारे ही लो है, सारे ही गरीब, बट उसमें लिथियम थोड़ा ढंग का है क्योंकि उसको 520 किलो जूल चाहिए। बाकी सब तो बोल रहे हैं लेके जाए यार, कोई बात नहीं, लेके जाए इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं। लिथियम फिर भी जल्दी नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। अब शायद और क्लियर हो गया होगा कि एनोमलस बिहेवियर क्यों है, क्योंकि छोटा साइज है ना। तो जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना चाहता है। डिस्टेंस कम है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेंथ कम तो स्ट्रेंथ ज्यादा, तो इस इलेक्ट्रॉन को वो ढंग से टाइट पकड़ के रखेगा, जल्दी नहीं छोड़ेगा। सेम आप सामने सोडियम को कंपेयर कर लो, सोडियम को कंपेयर करके आप देख लो तो आपको नजर आ जाएगा कि कहां पर डिफरेंस आ रहा है। ये रहा आपका लिथियम, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन एक ही है ना इधर, इसका डिस्टेंस इतना है, पर सोडियम का इलेक्ट्रॉन इधर है, ये रहा। तो कौन जल्दी छोड़ेगा आपको लगता है? ऑब्वियसली सोडियम आसानी से छोड़ेगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी लिथियम के कंपैरिजन में। अब ये समझ में आ रहा होगा एनोमलस बिहेवियर के रिस्पेक्ट में डायग्रामेटिकली? यस, सिंपल हो गया। अच्छा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैसे भी लो है और लिथियम से नीचे जाते वक्त तो और कम हो जाती है। दिस इज बिकॉज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइज, है ना। एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये थोड़ा नया है, हाइड्रेशन एंथैल्पी वैसे हमने किया हुआ है हाइड्रेशन एंथैल्पी, बट काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज
डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आयोनिक साइजेस. हाइड्रेशन का मतलब क्या कि वो पर्टिकुलर मेटल का आयन कितना इजीली हाइड्रेट हो सकता है. ठीक है, लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेट. लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, देख लो. तो लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एंड लिथियम सॉल्ट्स आर हाइड्रेटेड. मतलब लिथियम का सॉल्ट पानी के साथ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ ही प्रेजेंट रहेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस. बोलो हाँ कि ना, समझ में आया मैंने क्या बोला कि वो हाइड्रेशन के साथ प्रेजेंट रहेगा. ऐसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, हमने ये वर्ड किया था, आपको याद होगा, डिलिक्विसेंट. ये वर्ड मैंने आपको बताया था, क्या वर्ड बताया था, डिलिक्विसेंट. यानी कि वो वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ ही रखते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का, वाटर का वॉल्यूम मॉलिक्यूल जो है उसको अपने साथ रखते हैं. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलिक्विसेंट सॉलिड. क्या बोलते हैं बच्चों, डिलिक्विसेंट सॉलिड्स. अमॉर्फस वाले जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में होते हैं, वो ड्राई फॉर्म होता है, वो पानी निकला हुआ, उसको आप एनहाइड्रस भी कहते हो. ये वाला हाइड्रेटेड है, वो एनहाइड्रस होता है, अमॉर्फस. ठीक है, तो जो पाउडर फॉर्म है वो अमॉर्फस होते हैं और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो हाइड्रेटेड होते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे. बहुत ही सिंपल है, ऑल एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट. दे आर सम वेरिएंट ऑफ वाइट, सिल्वरिश, व्हाइटिश, ग्रेइश, है ना, ज्यादा कलर्ड नहीं होते. कलर्ड कौन से होते बच्चों, कलर्ड कंपाउंड्स. मेटल जरूरी नहीं कि कलर्ड हो, बट कलर्ड कंपाउंड्स आर सीन इन कलर्ड कंपाउंड्स. आई डिड नॉट से द मेटल इटसेल्फ इज कलर्ड, इन मोस्ट केसेस मेटल ऑल्सो इज कलर्ड. इन दिस केस कलर्ड कंपाउंड्स आर सीन इन डी ब्लॉक मेटल्स. कलर्ड कंपाउंड्स आर सीन इन डी ब्लॉक मेटल्स. I'll give you an example, आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा. KMnO4, इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट. ये तो सबको पता है, आप लोग स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हो, पोटेशियम परमैंगनेट. इसमें मेटल कौन सा है बच्चों, मैंगनीज. क्या मैंगनीज डी ब्लॉक का मेटल है, हाँ. क्या ये कलर्ड कंपाउंड है, हाँ. ये डीप पर्पल या वायलेट, आप डीप पर्पल या मैजेंटा कलर इसको हम लोग कहते हैं, तो ये हाँ पिंक, डीप पिंक भी बोलते हैं या डीप पर्पल भी बोलते हैं, मैजेंटा कलर भी बोलते हैं. ये एक बहुत ही क्लासिक है जो आपका एग्जैक्टली. एंड CuSO4 इज पीकॉक ब्लू, पीकॉक ब्लू कलर बोलते हैं ना इसको. क्यू अगेन कॉपर जो है वो डी ब्लॉक का मेटल है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो एस ब्लॉक के मेटल्स हैं वो ज्यादा करके कलर्ड नहीं होते, पर जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो या तो खुद मेटल भी कलर्ड होगा या एटलीस्ट वो कलर्ड कंपाउंड तो जरूर बनाएगा, एक्सेप्ट जिंक. अगेन वहां पे भी एक्सेप्शन है, हम लोग आएंगे उस पर जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे, तो डोंट वरी. तो पहले यहां पे देख लिया भाई, सिल्वरी व्हाइट है, ये ज्यादा सॉफ्ट है, इनकी हार्डनेस ज्यादा नहीं है, सॉफ्ट मेटल होते हैं. दे आर सो सॉफ्ट दैट यू कैन कट देम विद अ नाइफ. सोडियम वगैरह जो है वो इतने आसान है कि आप उसको नाइफ से थोड़ा फोर्स लगाओ, कट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो ये हो गए. They have low density because of large size and low density. So obviously, large size है, density कम है, इसीलिए ये soft भी हैं. और इनकी जो density है वो increases down the group. Density down the group बढ़ती जाती है. तो lithium ज़्यादा भारी है या cesium? Obviously, cesium ज़्यादा हैवी आपको लगेगा, ज्यादा डेंस लगेगा. हाउएवर इसमें भी एक एक्सेप्शन है. कितने एक्सेप्शन? हाउएवर पोटेशियम इज एक्चुअली लाइटर देन सोडियम. ठीक है, अब इसका कारण अभी फिलहाल आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको फिर उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में घुसना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक अलग चैप्टर है डेडिकेटेड सॉलिड स्टेट वगैरह, कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है और क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अंदर खोखली यानी वॉइड स्पेस, खाली जगह होती है, तो मेटल आपका लाइटर होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है. ठीक है, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे. फिलहाल जो फैक्चुअल चीजें उनको मार्क जरूर करना, उनको मिस आउट मत करना बच्चों. ठीक है, अच्छा यहां पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में जब आप डालते हो तो जो मेटल के सॉल्ट हैं वो अलग पर्टिकुलर कलर देते हैं. अब ये कलर क्यों देते हैं, ये सवाल आएगा आपके दिमाग कि ऐसा क्यों है. दिस इज बिकॉज
द फ्लेम गिव्स हीट विच एक्साइट्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टू अ हायर एनर्जी लेवल. आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना जो वैसे भी बड़ा उछल रहा मचल रहा है क्योंकि रिएक्टिव है. जैसे फ्लेम में डालते हो हीट मिलती है, अलग हायर एनर्जी लेवल में जाता है और हायर एनर्जी लेवल में जाने की वजह से क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस आता है. और एनर्जी तो मैंने आपको पढ़ा है, आपको याद होगा एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, याद है ना, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ये तो मैंने आपको पढ़ाया है. और न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी इज सी बाय लैम्डा. लैम्डा क्या है, वेवलेंथ. वेवलेंथ से क्या पता चलता है, कलर. तो अगर एनर्जी आई तो कलर आएगा, बोलो हाँ कि ना, बात समझ में आई. तो इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डालने पर कुछ पर्टिकुलर टाइप के कलर दिखते हैं. अब ये पार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा कि लिथियम का क्रिम्सन कलर होता है, सोडियम का येल्लो, पोटेशियम का वायलेट, रूबीडियम का रेडिश वायलेट और सीसीएम का ब्लू. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. अब रीजन क्या है और क्यों क्या, ऐसे देखो हर एक की पर्टिकुलर अपनी वेवलेंथ है, पर्टिकुलर अपनी एनर्जी लेवल है, तो जिसकी वजह से उसका कलर होगा, पहली बात. दूसरा, आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेकिंग अ वेरी स्टूपिड मिस्टेक, वेरी वेरी इडियोटिक मिस्टेक विच आई डोंट वॉन्ट यू टू मेक. ध्यान से सुनना आप मेरे बच्चे, आप मिस्टेक नहीं करने, ऐसे गधे जैसे जवाब नहीं देने कहीं जाके, मेरा नाम नहीं खराब करना. क्या कि किसी बच्चे ने ये, मैंने एक बार पूछा सोडियम का कलर क्या, तो बोलता सर येल्लो. सोडियम का कलर येल्लो है क्या, क्या बोल रहे हैं टेबल में, सोडियम मेटल येल्लो कलर का होता है, ऐसा बोल रहा है क्या? नहीं भाई, वो बोल रहा है सोडियम के कंपाउंड्स या सोडियम के सॉल्ट्स को जब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डालोगे तो वो येल्लो कलर देगा, ये बोल रहा है वो. तो ऐसी घोचू जैसी मिस्टेक मत करना कि बाहर जाके बोल दो कि पोटेशियम एक वायलेट कलर का सॉलिड है, नाक मत कटवाना, समझे क्या? पोटेशियम के सॉल्ट को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डाला तो वायलेट कलर आएगा, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. इज दिस गोइंग इनटू योर हेड, प्लीज लेट मी नो यस और नो. पोटेशियम के सॉल्ट को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डालेंगे तो क्या कलर आएगा, वो बोल रहा है. ऐसा नहीं बोल के आना कि हाँ पोटेशियम वायलेट कलर का होता है, ठीक है, बहुत स्टूपिड सेंटेंस हो जाएगा, मत बोलना ऐसा. तो अब आप बोलोगे सर हमको इतना सब लर्न करने की जरूरत क्या है, जरूरत ये है बच्चों कि अगर सारे सॉल्ट वाइट कलर के ही हैं, समझो मैंने आपको सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक पूरा क्रश करके पाउडर करके दिया और सोडियम कार्बोनेट भी पाउडर करके दिया और सोडियम बाइकार्बोनेट भी पाउडर करके दिया, आपको तो सब कुछ सफ़ेद कलर का ही दिख रहा है, सॉल्ट सफ़ेद कलर का पाउडर दिख रहा है, कैसे पता करने का, है ना? तो उसके कुछ टेस्ट होंगे, केमिकल टेस्ट होंगे. लेकिन अगर मैंने आपको कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दिया, दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, अलग अलग मेटल्स हैं, तो कैसे चेक करोगे आप उसको? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रख के हीट करोगे, दोनों का कलर अलग आएगा, इसको हम कहते हैं फ्लेम टेस्ट. क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लेम टेस्ट. फ्लेम पे कलर अलग मतलब कंपाउंड आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, यस और नो? सो एल्कली मेटल्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट. सो फ्लेम टेस्ट, सो एल्कली मेटल्स कैन बी डिटेक्टेड बाय पर्टिकुलर फ्लेम टेस्ट. आपको फ्लेम टेस्ट पता है, आपको कलर पता है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सॉल्ट को रख के डायरेक्टली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डालना है. ओके, ऑल्सो देर इज अ प्रोसीजर कॉल्ड फ्लेम फोटोमेट्री और अटोमिक अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये सब सिर्फ नाम है, उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. जैसा मैंने कहा आपको, मैं बताऊंगा कि कौन सी वैल्यूज आपको याद करनी है, वो सारी वैल्यूज आप मार्क कर लो एंड वो वैल्यूज को आपको डेफिनेटली लर्न करना ही करना है बच्चों. सबसे पहला तो एटॉमिक नंबर, ग्रुप वन के सारे एटॉमिक नंबर यू हैव टू बी वेरी वेल वर्स विद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीसीएम, फ्रैंकियम. आई एम प्रीटी श्योर आपको याद हो गए हैं, कोई टेंशन नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑब्वियसली यू हैव टू नो ऑल 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, ये भी आपको पता है. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट वन विच इज एक्सेप्शनली हाई, दैट इज 520. ऑल्सो फॉर एंट्रेंस एग्जाम, अगर मैं जेई और नीट की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो ऑल अदर्स एस्पेशली दीज, ठीक है, दीज आर स्मॉल वैल्यूज. मतलब ये इन जनरल स्मॉल वैल्यूज है, पीरियोडिक टेबल में इन जनरल स्मॉल वैल्यूज है, ऐसा आपको याद रखना है. दीज आर कंसिडर्ड एज स्मॉल वैल्यूज इन जनरल, मतलब ये इनफैक्ट ये पूरा ही,
ठीक है ओके. देन यू हैव मेटालिक रेडियस. नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. मेटालिक रेडियस 152 और 76. ये जो आयोनिक रेडियस है सिर्फ लिथियम का आपने याद रखना है. अच्छा लिथियम का यहां पे याद रखने को बोल रहा हूं. ग्रुप टू में हम इसको किससे कंपेयर करेंगे आप सोच सकते हो. ग्रुप टू में हम इसको किससे कंपेयर करने वाले हैं. ऑब्वियसली उसको हम मैग्नीशियम से कंपेयर करेंगे. क्यों? अगर आप देखेंगे तो डायगनल रिलेशनशिप अगर आप देखो तो 160 और 72. लिथियम वॉज 152, दिस वॉज 160, काफी नजदीक. वो 76, ये 72, काफी नजदीक. बच्चों समझ में आ रही है बात, है ना? तो यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट फ्रॉम द वैल्यूज इटसेल्फ, विल बी एबल टू अप्रिशिएट कि हाँ यार ये इसके बीच में काफी हद तक सिमिलर रिलेशनशिप है. और ये फैक्चुअली न्यूमेरिकल वैल्यूज से प्रूव भी किया जा सकता है. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट करने की जरूरत नहीं, दैट इज फाइन. वन ऑफ द लाइटेस्ट, दैट इज डेंसिटी वाइज अगर हम देखें, वन ऑफ द लाइटेस्ट इज ऑब्वियसली लिथियम. पर ये एक्सेप्शन आपको याद रखनी है, है ना? सोडियम पोटेशियम क्या है? एक्सेप्शन है कि धीरे धीरे बढ़ते रहनी चाहिए. पर 0.53 से पहले बढ़ता है 0.97, फिर नीचे आता है, फिर वापस बढ़ते जाता है ना? ये हमने उल्टा उधर मार्क भी किया थियरी में, यहां पे भी आपने मार्क कर लेना है. और अकरेंस वगैरह तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. नाउ लेट्स कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रिएक्शंस. अब रिएक्शंस में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज पीरियोडिक टेबल में भी हमने काफी सिमिलर ये फंडे किए हुए हैं. पहले एयर के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ, फिर वाटर के साथ, फिर हैलोजेंस के साथ, फिर एसिड्स के साथ, है ना? अलग अलग टाइप के रिएक्शंस हैं. हमने ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का फंडा किया हुआ है. बोलो यस और नो? सबको पता है ऑक्साइड, पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड. एक बार रिवाइज करा देता हूँ. ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2 होती है. पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1 होती है. सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की होती है -1/2. वेरी गुड. तो ये तीनों आपको ऑलरेडी पता है. तो आपको बेसिक आइडिया तो सभी का ऑलरेडी है. जस्ट क्विकली वील मार्क एंड मूव अहेड. पहला है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर. एयर बोलेगा तो ऑक्सीजन कैसा है? देखो अल्कली मेटल्स टार्निश. टार्निश का मतलब उनके ऊपर एक लेयर बन जाता है, ऑक्साइड का लेयर बन जाता है. टार्निशिंग का मतलब ऑक्साइड लेयर उनके ऊपर बन जाता है. इसको प्लीज रस्टिंग से कंपेयर मत करना. रस्टिंग भी ऑक्साइड का ही लेयर है, तो एक टाइप का वही हुआ कोरोजन एंड रस्टिंग, टार्निशिंग. बट ऊपर का जो लेयर है मेटल का, उसकी जो शाइन है वो कम हो जाती है. जो लस्टर, लस्टर आपने वर्ड सुना है, मेटालिक लस्टर, लस्टर वो कम हो जाता है. ओके तो ऑक्साइड्स बनते हैं और उसके बाद फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं तो हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं. दे बर्न विगरसली, ये इंपॉर्टेंट लाइन, दे बर्न विगरसली इन ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स. लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स पेरोक्साइड, ऑल अदर फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड्स. ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने पीरियोडिक टेबल में भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ. लिथियम अकेला है जो मोनो. अच्छा लिथियम का बिहेवियर बाकी सबसे कंपैरिजन में कुछ अलग ही होगा ना. तो बाकी सब पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, लेकिन ये बोलता है भाई मैं सिर्फ मोनोऑक्साइड बनाऊंगा, ठीक है ना? तो लिथियम क्या बनाता है? अकेला मोनोऑक्साइड, ठीक है. अब कुछ बच्चों को लिथियम के मोनोऑक्साइड के जो फॉर्मूला है वो याद करने में डिफिकल्टी होती है. तो मैंने ट्रिक आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि ऑक्सीजन का -2 होना चाहिए. आई नो लिथियम तो +1 ही हो सकता है, राइट? तो फॉर्मूला आपके लिए बड़ा आसान हो गया. Li और O, अगर आप कंफ्यूज हो कि मैं Li2O लिखूं, LiO2 लिखूं, क्या लिखूं समझ में नहीं आ रहा, तो ऑक्सीजन 2 है, लिथियम 1 है, आंसर आ गया Li2O. सिंपल है बच्चों. सेम वे आपको कोई बोले कि सोडियम का ऑक्साइड लिखो तो आप बोलोगे अच्छा ऑक्सीजन का 2 सोडियम का 1 तो Na2O. सोडियम का पेरोक्साइड लिखो तो ऑक्सीजन का 1 और सोडियम का 1 तो NaO. सोडियम का सुपर ऑक्साइड नहीं होता, है ना? Na2O में तो ये तो सोडियम ऑक्साइड है ना. सोडियम सिर्फ पेरोक्साइड नहीं फॉर्म करता,
सोडियम मोनोऑक्साइड एंड पेरोक्साइड फॉर्म करता है, लिथियम सिर्फ मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, एंड बाकी सारे ऑक्साइड पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। ऑक्साइड सारे बनाएंगे, सोडियम ऑक्साइड और पेरोक्साइड दोनों बनाएगा और बाकी सब तीनों बनाएंगे। ये रहा सोडियम पेरोक्साइड। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, सोचो। के और ओ है, ऑक्सीजन हैज टू बी माइनस हाफ, समझो फॉर एग्जाम्पल माइनस हाफ, एंड पोटेशियम हैज टू बी वन, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना टू मेक इट अराउंड फिगर, के ओ टू हो जाएगा, के ओ टू विल बी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो आपको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है प्लीज रट्टा मत मारना, आप जज करके सिंप्लीफाई करके बहुत ईजिली आप लिख सकते। जो जो रिएक्शंस में मार्क कर रहा हूँ विदाउट फेल ध्यान देना उन रिएक्शंस पे और उनको ध्यान से अपनी नोटबुक में लिखना जब आप अपने नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। सोडियम का पेरोक्साइड ऑब्वियसली, और सुपर ऑक्साइड कैसा दिखेगा, MO2, वेयर M कैन बी एनी मेटल ऑब्वियसली। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स इज ऑलवेज प्लस वन। लिथियम रिएक्ट्स डायरेक्टली विद नाइट्रोजन टू फॉर्म नाइट्राइड Li3N। लिथियम एक ही है जो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। नाउ दे हैव नॉट शोन द रिएक्शन हियर, यू विल राइट द रिएक्शन यहाँ पे अपने टेक्सट बुक में ऐड कर लो चाहिए तो। Li+N2 गिव्स Li3N, तो ये 6 Li, यहाँ पे 2, ये हो गया आपका बैलेंस। 6 Li+N2 गिव्स 2 Li3N। दिस इज कॉल्ड, द कंपाउंड इज कॉल्ड एज लिथियम नाइट्राइड। क्या नाम है, लिथियम डी नॉट टी, लिथियम नाइट्राइट नहीं है, नाइट्राइड है, ध्यान से देख लो। यस, बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर। आपको मैंने वर्ड्स रिएक्शन पढ़ाया सबको, सोडियम को किस में लगते हैं अपन हमेशा, अभी समझा ड्राई ईथर क्यों, तभी भी बोला था वैसे, वर्ड्स पढ़ाते वक्त भी बोला था ना, हाई रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, दैट्स वाई एल्कली मेटल्स आर केप्ट अंडर केरोसिन। स्टोर करना है तो केरोसिन में रखेंगे और रिएक्शन कैरी आउट करना है तो ड्राई ईथर में करेंगे। ये जा रहा है भेजे में सबके, नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, ये तो ऑब्वियस है यार, बहुत ही आसान। वाटर के साथ में कोई भी आपका एल्कली मेटल होगा वो हाइड्रोक्साइड ही बनाने वाला है, मतलब OH- देगा, सीधी बात है, नाम ही उसका एल्कली है यार, है ना। अच्छा और एक चीज इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, ऑल्दो लिथियम हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, although lithium has the most negative electronegativity value or E0 value, its reaction with water is less vigorous than that of sodium. मतलब कि मैं आपको समझाता हूँ, देखो पहले टेबल देख ले, पहले देख लो ये E नॉट, ये जो है ना इसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपको अभी नहीं समझेगा, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है मैं समझाऊंगा, बट फिलहाल के लिए ये समझ लो कि लिथियम की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है और सोडियम की लीस्ट नेगेटिव है, -2.7 है इसकी और इसकी -3.4 है, चेक कर लो। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लिथियम की लीस्ट जो है माइनस में वैल्यू है, मतलब लीस्ट आप बोल सकते हो वैल्यू वाइज नेगेटिव में, तो उस हिसाब से हम ये सोच रहे थे कि उसका वाटर के साथ ज्यादा स्ट्रांग रिएक्शन होना चाहिए, ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे थे, पर इन रियलिटी सोडियम का ज्यादा हो जाता है
ऐसा क्यों है? Why is that? This behavior of lithium is attributed to its very small size and very high hydration energy. तो अगेन जो anomalous behavior है वही लॉजिक हुआ ना, वो एक्सपेक्टेड जैसा बिहेव नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज. सो यू हैव दिस स्मॉल साइज ऑफ लिथियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लेस विगरस रिएक्शन विद वॉटर कंपेयर टू सोडियम. जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे अलग मिला बिकॉज अगेन यहां पर है लिथियम का एनोमलस बिहेवियर. ओके, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन. तो मेटल्स जो है वो हाइड्राइड्स बनाएंगे, ये भी हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन विल बी इन विच फॉर्म? इन माइनस वन फॉर्म. नॉर्मली हाइड्रोजन को हम लोग किस फॉर्म में देखते हैं बच्चों? हम लोग प्लस फॉर्म में देखते हैं ना, नॉर्मली हम लोग प्लस फॉर्म में देखते हैं. पर जब ज्यादा स्ट्रांग मेटल है, हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रांग है ना ऑब्वियसली अल्कली मेटल्स, तो उसके साथ में वो क्या बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा, जिसमें एक्चुअली आपको हाइड्रोजन जो है वो माइनस वन के फॉर्म में मिलेगा. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड्स. ऑल अल्कली मेटल हाइड्राइड्स आर सॉलिड्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. ऑल्सो मोस्ट ऑफ देम सर्व एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. क्योंकि वो हाइड्राइड है तो वो हाइड्रोजन सप्लाई करने के कैपेबल है, यस और नो? जब उनके पास हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन सप्लाई कर सकते हैं, यस yes. तो इसीलिए वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं. इतना याद रखना कि जो हाइड्राइड्स आप आगे जाके अभी पढ़ने वाले हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगह पे, वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होंगे. आई होप दैट इज मेकिंग सेंस टू ऑल. बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोजन दे विल बी एबल टू फंक्शन एज वॉट? एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बच्चों. ठीक है, हैलोजेंस के साथ तो यार ये रिएक्ट करेंगे. पूछो क्यों? क्योंकि ये स्ट्रांग मेटल है और हैलोजन स्ट्रांग नॉन मेटल है, तो ये ज्यादा करके आयोनिक हैलाइड्स बनाएंगे. पर इसमें भी एक्सेप्शन है. लिथियम के हैलाइड्स जो है उनमें कोवैलेंट कैरेक्टर काफी होता है. अच्छा, ये तो एक बहुत सिंपल लॉजिकल चीज होगी ना कि ये ग्रुप वन है सबसे पहला और ग्रुप 17 हैलोजन, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट और ऑलमोस्ट एक्सट्रीम राइट. नोबल मेटल्स तो, नोबल गैसेस तो रिएक्ट नहीं करते, छोड़ दो. तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट है, तो इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड आप एक्सपेक्ट करोगे? बोलो हाँ कि ना, एक्सपेक्टेड है. पर लिथियम नॉर्मल बिहेवियर दिखाएगा क्या? नहीं, लिथियम अनोमलस बिहेवियर दिखाएगा. तो जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कंप्लीटली आयोनिक होना चाहिए, वो थोड़ा बहुत उसमें वो है फिर भी आयोनिक, बट उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर है. क्यों है? हाई पोलराइजेशन केपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन. क्या है? हाई पोलराइजेशन केपेबिलिटी ऑफ लिथियम आयन. व्हाट इज पोलराइजेशन केपेबिलिटी? डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. देखो कैसा होता है, जरा समझाता हूं, कंफ्यूज मत हो ना, बहुत सिंपल चीज है. लिथियम विद क्लोरीन है फॉर एग्जाम्पल. तो लिथियम हो गया आपका Li प्लस करना है अपने, ठीक है ना? पहले ये समझ लो, LiCl को मैं Li प्लस और Cl माइनस ऐसा बोलूंगा, करेक्ट है बच्चों? अभी लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन थे पर अभी तो दो ही बचे ना, क्योंकि एक तो निकल गया Li प्लस बनाने के लिए, बोलो हाँ कि ना? और क्लोरीन के पास कितने थे ओरिजिनली? 17 इलेक्ट्रॉन थे, पर अब कितने हो गए? 18 हो गए. तो आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना? अब लिथियम जो है ना ये क्या कर सकता है, बिकॉज ये जो क्लोरीन है इसके पूरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की डेंसिटी अच्छी खासी है, ये इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर सकता है. क्या कर सकता है? डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन्स की क्लाउड को यहां वहां पुश कर सकता है, उसका शेप चेंज कर सकता है. क्यों? क्योंकि लिथियम की पोलराइजेबिलिटी हाई है, मतलब वो सामने वाले आयन एटम को, एनायन को पोलराइज कर पाता है इजीली, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब कर सकता है. क्यों करता है ये? अगेन द रीजन घूम फिर के इज द सेम, बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज. बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इट हैज हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. बात समझना ध्यान से. जैसे बेंजीन में क्या है, कुछ भी प्रॉपर्टी आपको पूछते हो तो आप बोलते हो हाँ बिकॉज ऑफ रेजोनेंस.
वैसे यहाँ पे लिथियम या कोई भी फर्स्ट एलिमेंट के आपको कोई पूछेगा क्यों है ये, तो 99% ऑफ द टाइम द आंसर इज व्हाट, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज. तो ये क्या है, पोलराइजेशन है. लिथियम आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज, हैज हाई टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एंड दैट इज व्हाई लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवेलेंट इन नेचर. मतलब लिथियम के हैलाइड्स इन जनरल कोवेलेंट होते हैं, और उसमें भी लिथियम आयोडाइड जो है वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा. कोई मुझे बता सकता है क्यों, अगर लिथियम आयोडाइड क्यों कोवेलेंट है, लिथियम फ्लोराइड क्यों नहीं? बिकॉज हैलोजन ग्रुप में भी टॉप टू बॉटम क्या होने वाला है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने वाली है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो इसीलिए अगर मैं आपको बोलूं कि आप लिथियम के क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को आयोनिक नेचर के इसमें लगाओ, तो आप इस तरह से लगाओगे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. बात समझ में आ रही है, आई होप सो क्लियर. क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डिफरेंस अभी भी है तो ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर, बट आयोडीन थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑलरेडी लिथियम की टेंडेंसी थी कोवेलेंट बनाने की, तो आयोडाइड जो है वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट बनेगा. और एक चीज, लिथियम का कोई भी सॉल्ट हो यार, वो डीलिक्विसेंट तो होगा, यानी पानी तो वो बचा के अपने पास रखेगा ही, है ना, ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया. देन यू हैव रिड्यूसिंग नेचर. ऑल एल्कली मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, पूछो क्यों. क्योंकि वो मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं सामने वाले को. हाइड्राइड तो छोड़ दो, हाइड्राइड तो बनाते ही, वो तो ठीक है, हाइड्राइड तो बहुत बहुत दूर की बात है, वो तो कंपाउंड बनाने के बाद. बट मेटल इटसेल्फ, मैं अगर तुमको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो तुमको रिड्यूस कर रहा हूं, बोलो हाँ कि ना. और एल्कली मेटल्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, तो लूज करके किसी को देंगे ना, तो वो सामने वाले को रिड्यूस कर रहे हैं. समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है. बट अगेन यहां पर फंडा क्या है, लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, बट सोडियम इज द लीस्ट पावरफुल. ये लॉजिक नहीं समझा, लिथियम टू सीजियम कुछ कंपैरिजन समझ में आता है, लिथियम मोस्ट पावरफुल, सोडियम लीस्ट पावरफुल. इसके ऊपर थोड़ा सोचना, इसके ऊपर लेक्चर, अगले लेक्चर में जवाब दूंगा. थोड़ा मुझे चाहिए आप दिमाग लगाओ, सोचो कि ऐसा क्यों हो सकता है. गूगल मत करना, पहले सोचना, नहीं मिला आंसर तो मुझे पूछना, फिर मैं बताऊंगा. ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो, लिथियम जो है वो मोस्ट पावरफुल है, और सोडियम जो है वो आपका लीस्ट पावरफुल है. ठीक है, किसमें, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की बात करें. उसके बाद उसका सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई वाले बच्चों को मैंने इनफैक्ट पिछले लेक्चर में ही बताया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया याद होगा, कहां यूज करते हैं हम लोग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, बर्च रिडक्शन में यूज करते हैं. कहां यूज करते हैं, बर्च रिडक्शन नाम का एक रिएक्शन हमने किया था, तो वहां पे आप देख लो, बहुत ही क्लासिक आपको यहां पर उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा. द एल्कली मेटल्स विल डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशंस. कलर कैसा होता है, डीप ब्लू सॉल्यूशंस विच आर कंडक्टिव सॉल्यूशंस. ये अभी जो ये मैं मार्क कर रहा हूं, ये आप ऐसे लिख लेना, मतलब मार्क कर लेना अपनी बुक में, अभी आपको बाउंसर जाएगा, समझेगा नहीं, बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फंडा है. ठीक है, अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत दूर है तो मैं समझाऊंगा. ब्लू कलर क्यों है वो समझा देता हूं. द ब्लू कलर इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब कि वहां पर अमोनिया गेट्स एडेड टू द मेटल इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रॉन डोनर. क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नो, लोन पेयर का वो डोनर है, और वो जो लोन पेयर का डोनर है उसकी वजह से, बिकॉज वो लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन की वजह से क्या होता है, एनर्जी चेंज, और एनर्जी चेंज की वजह से क्या आता है, कलर, पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था. यानी कि वहां पर एक पर्टिकुलर कलर आपको देखने मिलेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, करेक्ट. सो दिस पर्टिकुलर ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन इज ड्यू टू द लोन पेयर दैट इज गिवन बाय द अमोनिया, ऑफकोर्स. दीज सोल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड लिबरेट हाइड्रोजन
forming amides. Now the question is, what is paramagnetic? Now physics में आपने magnetism नाम का एक chapter शायद पढ़ा होगा, definitely पढ़ा होगा, electricity, magnetism वगैरह. उसमें ये concept आता है, paramagnetic substances, diamagnetic substances and ferromagnetic substances, है ना? केमिस्ट्री क्या बोलती है कि जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, जिसमें सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो डायमैग्नेटिक होगा, और जिसमें वेरी हाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आयन, निकल, कोबाल्ट वगैरह, वेरी हाई, चार या पांच इलेक्ट्रॉन अनपेड वाले, उससे भी ज्यादा होंगे तो वो आपका क्या होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा. तो यहां पर ये पर्टिकुलर जो सॉल्यूशन है वो कैसे हैं, वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है बच्चों. कैसे है? ये मार्क करके रखना, दीज सॉल्यूशंस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड दे विल लिबरेट हाइड्रोजन. और लास्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, इन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन द ब्लू कलर देन चेंजेस टू ब्रॉन्ज कलर एंड बिकम्स डायमैग्नेटिक. अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में आप उसको डालते हो तो ब्लू कलर जो है वो ब्रॉन्ज बन जाता है, और पैरामैग्नेटिक की जगह वो क्या बन जाता है, डायमैग्नेटिक बन जाता है. डायमैग्नेटिक विल बी रिपेल्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड. इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा, रिपेल होगा. क्या होगा, रिपेल होगा. और पैरामैग्नेटिक क्या है बच्चों, वीकली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड. कैसा है, वीकली अट्रैक्टेड इन द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक. और फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड में. फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्ट, इनफैक्ट फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इतने स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको आप परमानेंट मैग्नेट्स में बना सकते हो. जैसे कि आयन, आयन इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल. आयन में आप उसको परमानेंट मैग्नेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पता है ना आपको ये. तो आयन को हम लोग परमानेंट मैग्नेट भी बना सकते हैं. लास्ट पार्ट इज द यूजेस. ठीक है, यहां तक अपन कंप्लीट कर लेंगे. यूजेस तक लिथियम मेटल जो है वो अलॉयज बनाने के काम आता है. फॉर एग्जाम्पल विद लेड इट मेक्स व्हाइट मेटल अलॉय. लिथियम प्लस लेड मेक्स व्हाइट मेटल अलॉय फॉर मोटर इंजिन्स. विद एल्यूमिनियम टू मेक एयरक्राफ्ट्स. विद मैग्नीशियम टू मेक आर्मर. आर्मर मतलब आर्मर प्लेट्स, वो जो फौजी लोग वगैरह पहनते हैं आर्मर. इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, दैट इज फाइन. इट इज यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी फोन की बैटरी में यूज होता है. सोडियम इज यूज टू मेक अ सोडियम लेड अलॉय, दैट इज PbEt4. वॉट इज PbEt4? टेट्रा इथाइल लेड, विच इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट. टेट्रा इथाइल लेड इज एन एंटी नॉकिंग एजेंट. एंटी नॉकिंग एजेंट ताकि आपके इंजन में नॉकिंग आवाज ना आए, पेट्रोल में एंटी नॉकिंग एजेंट डाला जाता है. बट nowadays वी डोंट यूज इट बिकॉज nowadays व्हीकल्स विल यूज लेड फ्री पेट्रोल. इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुआ है हमारा. ठीक है. लिक्विड सोडियम इज यूज एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स. अगर आपने चेर्नोबिल देखी होगी, वो लोग कूलेंट यूज करते हैं वहां पे. वो पर्टिकुलर लिक्विड सोडियम है ऐसा दिखाया नहीं है, बट यस न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लिक्विड मेटल्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लिक्विड मेटल्स आर यूज्ड एज कूलेंट्स बिकॉज वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड ऑब्वियसली इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कोर एंड यू हैव टू हैव रैपिड कूलिंग इन दैट. नेक्स्ट यू हैव पोटेशियम. पोटेशियम हैज़ अ वाइटल रोल, वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोलॉजिकल सिस्टम्स. देखो आपके जो ह्यूमन बॉडी है
उसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम, ग्रुप वन के दो एलिमेंट्स और ग्रुप टू के दो एलिमेंट्स, ये चारों का बायोलॉजिकल फंक्शन आपको पता होना चाहिए। बायोलॉजिकल फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल फंक्शंस तो आपको ये सोडियम के तो पता ही है, NaCl यानी कि सॉल्ट को मेंटेन करने का हमारा काम NaCl, तो वो सोडियम पे डिपेंडेंट है। पोटेशियम, देखो सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम भी हमारे बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। क्या करता है? बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। कैल्शियम तो बोन्स में होता है ये पता ही है, मैग्नीशियम भी बोन्स एंड टीथ में होता है ये भी पता ही है। ठीक है ना, ये बेसिक आइडिया दिया मैंने आपको। ऑब्वियसली इसके और डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, पर बायोलॉजिकल सिस्टम्स में इन सारे मेटल्स का और इन सारे कंपाउंड्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। पोटेशियम क्लोराइड फर्टिलाइजर है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने के काम आता है, एंड सीसीएम इज यूज इन डिवाइसिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स। ठीक है, तो यहां तक हमारा ग्रुप वन का जो है डिस्कशन कंप्लीट होता है। दैट इज ऑल द यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द वैल्यूज दैट यू आर सपोज टू लर्न। ठीक है,